दोस्तों 2020 जाने वाला है और बस 2021 अब कुछ ही कह सकते हैं कुछ ही कदमों की दूरी पर है। तो 2020 में हमने बहुत कुछ देखा, लेकिन 2021 सबके लिए बहुत खास हो ये हम उम्मीद करते हैं और ये ऊपर वाले से हम कामना भी करते हैं। कुछ बदले ना बदले, लेकिन 2021 में ना बैंक के कुछ रूल्स हैं जो बदलने वाले हैं, और वो रूल्स क्या हैं वो मैं आपको बताऊँगी। एंड तक इस वीडियो को देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा चैनल और बेल आइकॉन का बटन दबाइएगा, और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कैसे वीडियोस 2021 में देखने हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि 2021 में क्या बदलने वाला है और कौन से ऐसे रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। 1 जनवरी 2021 से बदल जाएंगे चेक पेमेंट के नियम। यदि आप चेक पेमेंट करते हैं तो ये खबर आपके काम की है, क्योंकि 1 जनवरी 2021 से चेक पेमेंट से जुड़े नियम बदल जाएंगे। पॉजिटिव पे सिस्टम के तहत चेक के जरिए 50,000 रुपए या इससे ज्यादा पेमेंट पर कुछ जरूरी जानकारियों को दोबारा कंफर्म करना होगा। ये नए नियम चेक पेमेंट को ज्यादा सुरक्षित बनाने और बैंक धोखाधड़ी रोकने के लिए बनाए गए हैं। इससे जुड़ी डिटेल्स और जानकारी हासिल करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें। आप इस लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं। कॉन्टैक्टलेस कार्ड ट्रांजेक्शन। अभी तक आप किसी भी पेमेंट के लिए कार्ड में पिन डालकर ही पेमेंट क्लियर कर सकते थे, लेकिन इस नए नियम के मुताबिक अब आप कॉन्टैक्टलेस डेबिट और क्रेडिट कार्ड से अधिकतम 5,000 रुपए तक का भुगतान बिना किसी पिन के आसानी से कर सकेंगे। ये सुविधा 1 जनवरी 2021 से पूरे देश में लागू होने जा रही है। अभी तक कॉन्टैक्टलेस डेबिट और क्रेडिट कार्ड से केवल अधिकतम 2,000 रुपए का भुगतान बिना पिन के किया जा सकता था। भारतीय रिजर्व बैंक ने कॉन्टैक्टलेस कार्ड पेमेंट्स की लिमिट 2,000 से बढ़ाकर 5,000 रुपए कर दी है। ये 1 जनवरी 2021 से काम में होगा। इससे जुड़ी जानकारी डिटेल में हासिल करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। महंगी हो जाएंगी कारें। अब कार खरीदना पहले की तुलना में हो जाएगा महंगा, क्योंकि ऑटोमोबाइल कंपनियां जनवरी 2021 से अपने कई मॉडल के दाम बढ़ाने जा रहे हैं। मारुति महिंद्रा के बाद रेनो और MG मोटर पहले ही दाम बढ़ाने का ऐलान कर चुके हैं। 4 पहिया वाहनों के लिए फास्टैग होगा अनिवार्य। केंद्र की ओर से 1 जनवरी 2021 से सभी 4 पहिया वाहनों पर फास्टैग लगाना अनिवार्य कर दिया है। जो भी इस नियम का पालन नहीं करेगा उन्हें नेशनल हाईवे टोल पार करने पर दोगुना चार्ज देना होगा। जिनकी बिक्री 1 दिसंबर 2017 से पहले हुई है, ये उन पुराने वाहनों पर यानी कि M और N कैटेगरी के मोटर वाहनों पर भी लागू होगा। फिलहाल सभी टोल प्लाजा पर 80% लाइनों को फास्टैग और 20% लाइनों को कैश में इस्तेमाल किया जा रहा है। नए नियम लागू हो जाने के बाद फास्टैग अकाउंट में कम से कम 150 रुपए की राशि रखनी ही होगी। अब लैंडलाइन से मोबाइल पर 0 से फोन होगा। 1 जनवरी 2021 से लैंडलाइन के नियम बदल रहे हैं। 1 जनवरी के बाद लैंडलाइन से किसी भी मोबाइल नंबर पर फोन लगाने के लिए आपको 0 का इस्तेमाल करना होगा। यानी कि पूरे देश लैंडलाइन से मोबाइल फोन पर कॉल करने के लिए नंबर डायल करने से पहले 0 लगाना होगा। बिना 0 आप कॉल नहीं कर पाएंगे। म्यूचुअल फंड निवेश के लिए बदले नियम। सेबी ने मल्टीकैम म्यूचुअल फंड के लिए असेट एलोकेशन के नियमों में बदलाव किया है। अभी इक्विटी में फंड्स का न्यूनतम 65% हिस्सा निवेश करना होता है। इस नियम में बदलाव के बाद फंड्स का 75% हिस्सा इक्विटी में निवेश करना जरूरी होगा। सेबी के नए नियम के मुताबिक मल्टी कैप फंड्स के स्ट्रक्चर में बदलाव होगा। फंडों को मिड कैप और स्मॉल कैप में 25-25% निवेश करना जरूरी होगा, वहीं 25% लार्ज कैप में लगाना होगा। UPI पेमेंट में होगा बदलाव। 1 जनवरी 2021 में UPI के जरिए पेमेंट करना हो जाएगा महंगा। थर्ड पार्टी की ओर से चलाए जा रहे एप्स पर एक्स्ट्रा चार्ज लगाया जाएगा। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से ये निर्णय लिया गया है। GST रिटर्न के नियम बदल जाएंगे। देश के छोटे कारोबारियों को सरल त्रैमासिक गुड्स एवं सर्विसेज टैक्स रिटर्न फाइलिंग सुविधा मिलेगी। इस नए नियम के तहत जिन कारोबारियों का टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम है, उन्हें हर महीने रिटर्न दाखिल करने की जरूरत नहीं होगी। नया नियम लागू होने के बाद टैक्स पेयर्स को केवल 8 रिटर्न भरने होंगे। इसमें 4 GSTR, 3B और 4 GSTR1 रिटर्न भरना होगा। सरल जीवन बीमा पॉलिसी होगी लॉन्च। 1 जनवरी 2021 से आप कम प्रीमियम में बीमा खरीद पाएंगे। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने सभी कंपनीज को सरल जीवन बीमा लॉन्च करने को कहा है। बता दें, आरोग्य संजीवनी नामक स्टैंडर्ड रेगुलर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान पेश करने के बाद एक स्टैंडर्ड टर्म लाइफ इंश्योरेंस पेश करने का निर्देश दिया है। ये पॉलिसी सरल जीवन बीमा के नाम से है।
ध्यान देने योग्य बात यह है कि स्टैंडर्ड इंडिविजुअल्स टर्म ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का मैक्सिमम सम एश्योर्ड 25 लाख रुपए का होगा। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।